आप देख के रट ला रहे थे, बस अपने तीनों काले कानून उल्टे हो जाए, तीनों काले कानून उल्टे हो जाए, वो तो हो गए उल्टे। अपनी यहाँ रह गई असली बात, जो MSP खरीद गारंटी जिसने स्वामीनाथन बोला हा, इसमें कर्जा भी माफ हो जा रहा है, इसने इसमें बिना ब्याज किसान को रुपये मिला रहे, और किसान की फसल का भाव जो मैंने बताया अभी कम से कम इतना हो जाता, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते, कर्जा कौन रहा और किसान के खुशहाल हो रहे। कल भी बताई थी मैंने, एक विदेश का एक दो एकड़ का किसान कार में जाओ, हर कार में आवे है, क्योंकि सरकार का उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, सरकार किसान को मानती है, और कोई भी दिक्कत हो, अगर एक किसान की फसल भी खराब हो जाती है तो 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसके 5 किले हैं 10 लाख रुपए का चेक उसके घर भेज दिया जाता है। और हमारा इतना जमा पूरा गांव का और पूरा गुआंड का नाश नहीं उठ लंदा, इतने 1 रुपया भी जेब देने की बात कर दो तो बता दो, और वो भी 10-12 हजार रुपये किला, 10-12 हजार में क्या होगा भाई, 50-50, 60-60 हजार रुपये तो ठेका हो गया, जमीन कम होगी, वो ईश्वर छत्र बताया करता, मनसा की कमी थी, जमीन कम होगी। और साथियों एक बात और बताऊंगा मैं, जो कल आपने भी कई भाई कह रहे थे, मां मैं उड़े बात करांगे बैठ के भाईचारा में, जो कल बात हुई है, जो अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है, वो फिर सरकार हमने कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। 4 फसलों पर MSP की बात करी है उन्होंने, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, 4 फसलों की, एक तो उड़द की दाल, एक मसूर की दाल, और एक मक्का और एक कपास। ये उड़द की दाल, मसूर की दाल और मक्का अपने हो से भाई कौन ही होंगी ना, एक कपास तो फिर भी अपने पैदा करा। अपन असली चीज कैसी थी, एक तो गेहूं के ऊपर, जीरी के ऊपर, बाजरे के ऊपर और सरसों के ऊपर मोटी फसल अपनी ये थी, इनके ऊपर MSP की बात सरकार ने करनी चाहिए थी, सरकार फिर गोल गोल घुमा रही है। ताऊ ठीक कह है भाई, इतने बैठे रहोगे इतने घूमने कौन दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरकार ने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो इसके ऊपर भी जो कमेटी बनाई थी वो बैठ के ने इसके ऊपर भी विचार हो, मेरी ऐसी मनसा है, इस बात के ऊपर भी विचार विमर्श किया जाए, उनको संदेश दो, अगर भाई जो असली फसल है हमारी उनके MSP भी मांगो गल्ला, ये तो ले ली, जो जो इनकी तो सरकार ने ऑफर दी है, ले ली कड़े ऑफर दी है, और वो जो फसलें हैं हमारी, जो 5-6 मेन फसलें हैं उनके ऊपर भी MSP चाहिए। साथियों ये जो हाजिरी है, यह कम ना किया आप, एक संदेश गया है सरकार को, और इस संदेश से ये आपकी ताकत थी कि कल इतनी भारी संख्या में रात को डटना, और आज फिर साधन बहुत आने लग रहे हैं ट्रैक्टर गाड़ियों में, इस आपकी ताकत की वजह से जो हमारे 2 किसान कल पकड़े गए थे वो आज कल रात को ही छोड़ दिए गए, ये आप लोगों की ताकत थी। और उसके साथ साथ छोटी मोटी कोई बात को नहीं होती आपस में, हो जाया करे हैं, इतना बड़ा कुनबा है, उस बात को भाई मैं किसान नेताओं को भी सारे भाइयों को भी दिल पर ना लो, और यहाँ भाईचारा में आ जाओ, यहाँ कट्ठे हो के ना हम बतलाएंगे, और कौन कोई समाधान कर देंगे, कौन कोई समाधान कट्ठे होंगे बतलाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, इलेक्शन ऊपर आ रहे हैं, सरकार ने गनी नहीं तो हमारी आधी पद्धी बात तो जरूर माननी पड़ेगी। पंजाब का किसान बहुत सारा किसान उठ लिया, कल एक मीटिंग में एक भाई ने बहुत बड़ी बात रखी थी, बनाना काम का था वो भाई, उधर साइड में पंचायत हो रही थी, अगर हमें लग गया तो किसका गला लग गया,
क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जिसने अपने 13 महीने के नेतृत्व में अपन आंदोलन लड़े जिसमें हर गांव तक ट्रैक्टर की हाजिरी थी, वो संयुक्त किसान मोर्चा अभी उसकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। वो नू चाहे है भाई अपने 10 दिन में 15 दिन में यह सरकार आचार संहिता लगा देगी, फिर अपने 2 महीने 3 महीने अपने नुए बैठे रहना पड़ेगा, उसमें तो कोई मांग पूरी को नहीं हो सकती अपनी। उसकी इच्छा यह थी भाई वो इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर अपनी लड़ाई लड़ा, लेकिन कोई बात नहीं कही भाई कोरिंग के क्या गया वन मिले ना इे बात बनेगी अपनी, फिर भी आप इकट्ठे हो गए, कोई दिक्कत को नहीं इस बात में भी, सबका दर्द हो रहा था, इस दर्द में आए हो सारे, इस दर्द में आए यहाँ पे, बिना दर्द कोई भी घर तक निकलता। मारे भाइयों के भाई इस मंच के माध्यम से CID आ रहे भैया भाई, अगर एक भी आंसू गैस का गोला छोड़ो तो हम भी इस धरती से कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकते हैं भाई। ये जो CID वाले भाई हैं वो अपने आकाओं को, अपने प्रशासन को, अपने नेताओं को ये खबर पहुंचा दे भाई हरियाणा का किसान भी जागना शुरू हो चुके हैं और यहाँ इस खेड़ी चौपटा की इस पवित्र धरती पर सभी भाइयों के सभी जो आसपास के जितने भी भाई हैं कल उस दर्द का पता चलते ही कम से कम भी 50 ट्रैक्टर तो अपने 2 बजे पछा आए हैं, वो दर्द में आए हैं, फोनों पे बेरा बट लिया भाई आड़े गड़बड़ करने लागे। ये सरकार की भी चाल हो सकती है भाई, इन कुकरे इन कुकरे पार दो तो आप बिल्कुल भाईचारा में एक ओके ने ये लड़ाई लड़ेंगे और 100% जीतेंगे भाई, हार का कोई खाना ही नहीं। मैं 2 नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा भाई, पत्रकार भाई भी आने लग रहे हैं, 2-3 नारे बढ़िया काट दो लड़ाई सही, दोनों दोनों मुट्ठी उठा के किसान नेता, किसान नेता, किसान मजदूर एकता, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय किसान।